नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जालौन के ईट थाना क्षेत्र में लोडा चालक की हुई हत्या मामले का जालौन पुलिस ने आज खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में शामिल तीन हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटी गई लोडर व एक बाइक बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा है। बता दें कि बीती 26 मार्च को ईट थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे एक युवक का शव पड़ा मिला था। इस मामले में मृतक की पत्नी ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी थी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने बीती रात हत्या में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन में मामले का खुलासा करते हुए एसपी जालौन रवि कुमार ने बताया कि बीती 26 मार्च को जिस युवक का शव मिला था वह लोडा चालक था, जो कि लोडर में गुटखा लाद कर ले जा रहा था। इसी दौरान तीनों लोगों ने उसकी रेखी कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे रोक लिया। इसके बाद लोडर चालक की हत्या कर वह लोडर व उसमें लदा माल लेकर फरार हो गए। मामले में शामिल तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए रवि कुमार, एसपी जालौन ने क्या कहा। जालौन से अगली समाधिया की रिपोर्ट। धन्यवाद। क्या है सर, क्या घटना थी सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, घटना थाना एट क्षेत्र की थी, जिसमें एक डेड बॉडी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे वाले रास्ते में, जो रास्ता है वहाँ पे डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और बॉडी को कब्जा पुलिस में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। तो उसमें जो पोस्टमार्टम के बाद में रिपोर्ट आई थी, उसमें संदेह उत्पन्न हुआ कि इसकी संभवतः वहाँ पर हत्या करके इसको फेंका गया है। इसी पर जो है प्रार्थना पत्र परिवारजनों से लिया गया मृतक के, और थाना गेट पर 302 में मुकदमा कंप्लीट किया गया था। जब इस घटना की विवेचना की गई और आगे एसओजी सर्विलांस की टीमों को लगाया गया, तो ये ज्ञात हुआ कि ये जो मृतक व्यक्ति है वो एक कानपुर देहात की गुटखा की किसी कंपनी में काम करता था और वहाँ से एक लोडर जो पिकअप है, पिकअप की गाड़ी लेके निकला था और इसको रास्ते में तीन लोगों ने इसको रोका, वहाँ पे उसकी गाड़ी में उसके साथ मारपीट की, उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसको फेंक के गाड़ी को ले जाके औरैया में जाके छोड़ दिया।